नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल एस जे ट्रेडर्स में। अगर आपको न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आइए देखते हैं दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने क्या किया। दोस्तों मैंने कल आपको लेवल दिए थे कि बैंक निफ्टी अगर 38,600 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 38,850 और दूसरा टारगेट मैंने दिया था आपको 39,000। आज आप चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी का ओपनिंग हुआ 38,800 और उसका हाई मारा उसने 39,200 के करीब। तो मैंने जो दो लेवल दिए थे वो आज उसने अचीव कर लिए। और मैंने आपको साथ में ये भी बताया था कि ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है उस ट्रेंड लाइन का उसको रेजिस्टेंस मिलेगा। आइए देखते हैं कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। आज मैं इसको निकाल लेता हूँ फ्लैट लेवल को। अभी हम न्यू लेवल ड्रॉ करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आएगा ये, अगर कल बैंक निफ्टी डाउन की साइड में 38,900 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट डाउन की साइड में आएगा उसका 38,800 और दूसरा टारगेट नीचे आएगा उसका 38,700। और अगर ऊपर की तरफ उसको जाना हो तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ऊपर जाएगी उसका लेवल कौन सा आएगा 39,200 पकड़ के चलो आप, 39,200 ब्रेक करके 10-15 मिनट टिकेगा ऊपर तो उसका पहला टारगेट ऊपर की साइड में आएगा उसका ये आएगा कौन सा आएगा 39,400। और दूसरा टारगेट देख लेते हैं, वन डे के अंदर में देखते हैं हम। दूसरा टारगेट उसका आएगा कल अपसाइड में 40,000 तो नहीं जाएगा, 39,500 के पास जा सकता है कल अपसाइड में। ओके फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अब निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी में मैंने आपको कल बोला था कि अगर निफ्टी 70,000 कौन सा लेवल लिया था मैंने आपको 70,000। ओके ये हमारा मिल गया 915। ओके मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर आज 70,500 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा 70,550 और दूसरा टारगेट आएगा उसका 70,600। तो आज उसका ओपनिंग हुआ है फ्रेंड्स 70,530 के पास ओपनिंग हुआ है और उसका क्लोजिंग आज हुआ है 70,581 के पास। आप चेक कर सकते हो ये दोनों टारगेट मैंने जो थ्रो किए थे वो दोनों उसने अचीव कर लिया फ्रेंड्स। आइए देखते हैं अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में। तो उसका फ्लैट जोन ड्रॉ कर लेते हैं हम, समझ लो ये हमारा फ्लैट जोन बन गया। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा आ गया। अगर कल निफ्टी इसी जोन में ओपन होके अपसाइड पे 600 ब्रेक करता है, 670 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स अपसाइड में, ये मार्क करते हैं 70,675 अपसाइड में। और दूसरा टारगेट हम ले लेते हैं उसका 70,700। और डाउन साइड में देखते हैं हम फ्रेंड्स, डाउन साइड में उसका टारगेट आएगा अगर ये लेवल ब्रेक करता है 70,570 तो उसका डाउन की साइड में पहला टारगेट आएगा उसका 70,540 और दूसरा टारगेट आ सकता है डाउन की साइड में फ्रेंड्स, डाउन की साइड में दूसरा टारगेट आएगा
ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ लो, हम यही पकड़ लेते हैं 70,500। जैसे मैंने आपको कल बोला था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होगा तो ये अब जा सकता है, उसे एक ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसके ऊपर क्लोज दिया है, तो अच्छी जगह पे उसने क्लोज किया है, तो हो सकता है कल वो ऊपर जाने की पूरी ट्राई करेगा। अगर आज का हाई ब्रेक करेगा 70,640 तो डेफिनेटली ये अपना टारगेट जो मैंने दिया है आपको वो अचीव कर लेगा। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन के पर्पज़ से ही बनाता हूँ। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने फाइनेंस एडवाइज़र की सलाह मशवरा ज़रूर लें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।